Welcome to Kishore Construction. Please subscribe and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हैं किशोर कंस्ट्रक्शन। और इसमें फ्रेंड आप लोग के लिए डेली एक लाते रहता हूँ। और आज दोस्तों एक लेके आया हूँ जो कि डोर के ऊपर में जो कि एक लेंटर बीम आता है वही दिखाने वाला हूँ आज। लेंटर बीम आप लोग को कितने में देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और कितना डोर का साइज कितना होना चाहिए उसमें दोस्तों बात करने वाले हैं आज। और ये जो बात करेंगे दोस्तों मेरे से जितना होगा उतना मैं जानकारी दूंगा आप लोग को। और आइए दोस्तों देरी ना करके देखते हैं। और जो भाई मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट गेट है जो कि इसका चौड़ाई है दोस्तों 4 फुट तक है दोस्तों इसका चौड़ाई। और इसका हाइट है दोस्तों, हाइट चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसी का हाइट है आप देख सकते हो, इसका हाइट जो है 6 फुट 6 इंच तक है दोस्तों। आप 7 फुट में भी रख सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आप ये देख सकते हो 6 फुट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि अंदर के डोर गेट के बारे में दोस्तों। और इसका चौड़ाई है दोस्तों 3 फुट 6 इंच तक है और आपको 3 फुट 3.5 फुट रखना चाहिए दोस्तों। और इसका लेंटर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो लेंटर है दोस्तों इसमें 4 इंच बाय 7 इंच का रिंग आया है दोस्तों। और इसमें 4 बार आया है और ये ढलाई कंक्रीट हुआ है दोस्तों 6 इंच तक। और इसका जो कि सज्जा का बात कर लेते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप से कम 2.5 इंच है दोस्तों इसका हाइट। आइए और इसका चौड़ाई चेक करते हैं दोस्तों। ये जो कि चौड़ाई है 18 इंच तक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये 18 इंच तक आ रहा है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।